और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच ये खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो महाविकास अघाड़ी के विधायक हैं और मंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक जारी है। और हमारे सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्वेता, अब तक खबरें आ रही थी कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, हालांकि बड़ी खबर है कि सरकार के जो तमाम विधायक हैं और मंत्री उनके साथ उद्धव ठाकरे की बैठक चल रही है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए वर्षा बंगलो पे अब जो मीटिंग है उसका आगाज हो चुका है और इसके साथ ही हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पे किस तरीके से राजनीतिक संकट मंडराता जा रहा है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें वर्षा बंगलो के बाहर से आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपको पुलिस की तैनाती नजर आएगी, लेकिन लगातार यहाँ पर मंत्रियों की गाड़ियां भी अंदर जा रही है। यहाँ पे कई ऐसे नेता है जो यहाँ पे जा चुके हैं अंदर। विनायक राउत की बात की जाए या हम अरविंद सावंत की बात करें, गुलाबराव पाटिल की बात करें, कई नेता हैं जो अंदर जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हम आंकड़ा बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का खेल बिगड़ सकता है महाराष्ट्र में, जिसके चलते यहां पर अघाड़ी सरकार पर निश्चित तौर पर एक बहुत ही कह सकते हैं संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा अपना मोमेंट लिया, इसे कहीं देखा जाए अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की भी माने तो हमने लगातार ये उनसे सुना है कि ये उनकी तरफ से उम्मीद नहीं थी उनसे दरअसल कि वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन हमारे जो भीतर के सोर्सेज हैं, हमें यह भी किसी तरीके से यह जानकारी हमें प्राप्त हो पाई है श्वेता, कि यहाँ पर कुछ वक्त से एकनाथ शिंदे एवं सरकार के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके बाद इसका कयास यह लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और आज आप देखिए किस तरीके से 2019 की घटना दोबारा घटती नजर आ रही है। यहाँ पर फिर से आंकड़ों का खेल आपको नजर आएगा और यह देखना होगा कि एकनाथ शिंदे जो अपने साथ लगभग 23 MLA लेकर गए हैं, अब क्या होने वाला है, किस तरीके से अब ये गणित सुधरता है या बिगड़ता है अघाड़ी सरकार के लिए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है NCP सुप्रीमो शरद पवार एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। अब यह देखना होगा 2 बजे की एकनाथ शिंदे की मीटिंग और बाद में शाम को शरद पवार एवं उद्धव ठाकरे की मीटिंग। श्वेता जी, श्वेता वर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।